हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शॉप 360 में स्वागत करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फेब्रुअरी 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट टू। इसके पहले मैं एक पार्ट डाल चुका हूँ फेब्रुअरी के करंट अफेयर्स का, तो शुरू करते। सबसे पहला प्रश्न कि भारत की नई एफडीआई पॉलिसी जो ई कॉमर्स के लिए बनाई गई है वो कब से चालू हुई है, तो इसका आंसर है 1 फरवरी। एफडीआई पॉलिसी मींस होती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बाहर की कंपनीज है भारत से, वो भारत में जो उनका पैसा है वो इन्वेस्ट करती है। और इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ने इसे मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं, तो इसके लिए उन्हें जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो होता है रेपो रेट। और ये अभी अभी जो 6th बाई मंथली पॉलिसी हुई है आरबीआई की 7th फरवरी को, उस दिन ये 0.25 से कम हो गया है। पहले था 6.5, तो अब ये घट के 6.25 हो चुका है। और इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ 6th बाय मंथली पॉलिसी के ऊपर, और आरबीआई और उसकी जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसके ऊपर भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है 0 to 90 days के लिए, और ये मिनिमम 5 crore का होता है और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो इससे उल्टा होता है, मतलब बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो आरबीआई को लेंड करते हैं, और वो रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो रेपो रेट से 0.25 से कम होता है, मतलब जो रिवर्स रेपो रेट है वो फिलहाल 6 है। इसके अलावा MSF क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, यह सब भी मैं उस आरबीआई की जो 6th बाय मंथली पॉलिसी की वीडियो है उसमें वो आरबीआई एंड मॉनिटरी पॉलिसी की वीडियो में डाल चुका हूँ, या आप इंटरेस्टेड हो गए तो देख लीजिए। नेक्स्ट, नाइट स्टे जो कि लास्ट मिनट होटल बुकिंग ऐप है, इसे किसने एक्वायर किया है, तो इसका आंसर है पेटीएम। अभी अभी कौन सा राज्य सबसे पहला राज्य बना है जिसने प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट सेटअप किया है, मतलब जो कि कुछ मेडिसिंस होते हैं दवाइयाँ वगैरह उनकी जो प्राइस होती है वो ज़्यादा कीमत पर ना बिके उसके लिए ये सेटअप किया गया है। ये केरला ने सेटअप किया है, केरला के जो CM है वो है पिनारई विजयन और गवर्नर है P. Sachivam। आर्टिफिशियल पैनक्रीज स्मार्टफोन ऐप ये किसके लिए डेवलप किया गया है, तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये जो ऐप है वो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स है उनके लिए बनाया है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स है वो इससे शुगर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के ऊपर, जिससे कि जो पेमेंट होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पावर प्लांट्स के लिए, उसके लिए ये कमेटी बनाई है, तो ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई है, तो इसका आंसर है PK Sinha। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो इसका आंसर है इटली। इटली के रोम में ये इनॉग्रेट किया गया है, और रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है, और ये उसके पास में ये इनॉग्रेट किया गया है इटली में। इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी यूरो, और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जुसेप्पे कोंटे, जो कि पिछले साल नियुक्त किए गए हैं, और यहाँ के प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्टारेला। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, शहरी समृद्धि उत्सव, जो कि अर्बन लाइवलीहुड्स के ऊपर फोकस करने के लिए किया गया, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया था इसके लिए? तो ये इसका आंसर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है हरदीप सिंह पुरी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश राज्यसभा। तो ये राज्यसभा के एमपी है उत्तर प्रदेश से, हरदीप सिंह पुरी। ये भी आप याद रखिए। एज पर गवर्नमेंट डेटा द नेशनल सैनिटेशन कवरेज इज नाउ एट, तो जो 2014 है उसमें 39% था सैनिटेशन कवरेज, और अब वो 98% हो गया है। और ये जो बजट हुआ है अभी 1 फरवरी को इंटरिम बजट भारत का जो पेश किया है पीयूष गोयल ने, भारत के नए फिनांस मिनिस्टर, उसमें यह सब बताया गया है, और इसके ऊपर भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, द फ्यूचर ऑफ रेल ये किसने लॉन्च किया? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक रिपोर्ट में दिखाया गया है। तो इसका आंसर है पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है ये नाम आप याद रखिए, द फ्यूचर ऑफ रेल, और किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है वियना में। ओके, ये भी आप याद रखिए। पीयूष गोयल जो कि भारत के रेलवे कोयल और अब फिनेंस मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र से, रायगढ़ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, चेन्नई पुलिस ने कौन सा ऐप बनाया है जो 2 व्हीलर और सेलफोन है उनकी चोरी को ट्रैक करने के लिए? तो इसका आंसर है डिजी कॉप। डिजी कॉप चेन्नई पुलिस कमिश्नर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अभी अभी कौन से स्टेट ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई है जो मतलब डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो कि गाय भैंस या फिर बकरी पालने वाले फार्मर्स है उनको उन जो इनकम होता है वो बढ़ाने के लिए ये एक कमेटी बनाई है पंजाब की गवर्नमेंट ने, और ये किसने ऐलान किया है? पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने, और यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह। ओके, नेक्स्ट, जो 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है कॉन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये भारत का होस्ट करेगा? तो ये भारत 2020 में होस्ट करने वाला है 15 से 22 फरवरी के बीच में, और ये कहाँ पर होगी? तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट, कौन से स्टेट ने एक कमेटी बनाई है ट्राइबल अफेयर्स, मतलब जो SC ST है उनके लिए? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है
देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सी विद्यासागर राव। नेक्स्ट 2019 एशिया एलपीजी समिट कहाँ पर हुई, तो ये हुई न्यू दिल्ली में और ये 6 फरवरी में हुई और ये उसका सेकंड एडिशन था। ये फर्स्ट एडिशन इसका 2017 में हुआ था और इसे इनॉग्रेट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि भारत के पेट्रोलियम और ऑयल एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर है। और भारत जो है वो दूसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर है एलपीजी में। एलपीजी मीन्स होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट परमाणु टेक 2019, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है, जो कुछ इश्यूज रहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रेडिएशन टेक्नोलॉजीज़ के, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है परमाणु टेक 2019। ये 6 फरवरी को ही हुई है और दिल्ली में ही हुई है। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया, तो भारत का जो एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है उसने इसे ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट यूएस और इंडिया के बीच में सीईओ फोरम की पहली मीटिंग कहाँ पर हुई, तो ये 14 फरवरी को दिल्ली में हुई। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट भारत और बांग्लादेश के बीच में जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग कहाँ पर हुई, ये 5th मीटिंग थी, ये भी दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने इंडिया साइज प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया, तो इसका आंसर है मुंबई। और ये जो स्मृति ईरानी है भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो है वो है राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात। ओके नेक्स्ट कला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2019 में, ये जो फेस्टिवल है ये भारत का सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल है, जो कि चिल्ड्रंस के लिए होता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी कलाएं दिखाते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ, ये 2 से 10 फरवरी के बीच में मुंबई में हुआ। नेक्स्ट संगीत नाटक एकेडमी के अवार्ड्स से किसे नवाजा गया, तो इसका आंसर है शोभा कोसल, तो एक कथक डांसर है और इसके अलावा एक डॉक्टर भी है, पर ये इन्हें कथक डांसिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट NDFC जो है उसे विनर घोषित किया गया है मिनी रत्न कैटेगरी, मतलब मिनी रत्न कैटेगरी होती है, मतलब कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 होती है महारत्न कैटेगरी, और MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इसके मिनिस्ट्री के द्वारा इन्हें विनर घोषित किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, NDFC का फुल फॉर्म है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके डैश डैश विंस कोची एरिया पुलिंग रिगट्टा ट्रॉफी 2019 ऑफ साउथर्न नेवल कमांड, इसका आंसर है INS द्रोणाचार्य। INS द्रोणाचार्य ने जीता है कोची एरिया पुलिंग रिगट्टा ट्रॉफी 2019 का, याद रखिए। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन इस अवार्ड से किसे नवाजा गया, तो इसका आंसर है संजीव चड़ा। और SBI UK, मतलब UK में जो SBI की सब्सिडरी है उसकी चीफ है, ये भी आप याद रखिए। नए सिविल एविएशन के सेक्रेटरी के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है, तो इसका आंसर है प्रदीप सिंह खरोला, जो कि पहले एयर इंडिया के
सीएमडी थे, ओके। और सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो वो है सुरेश प्रभु। नेक्स्ट, जॉन डिंगेल जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो 92 इयर्स के थे, ये कौन थे? ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन थे। इसके अलावा ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस पर्सन थे यूएस की हिस्ट्री में, ये भी आप याद रखिए। जेकॉब मार्ले जिनका अभी अभी देहांत हो गया, ये 82 इयर्स के थे, ये कौन थे? ये ब्रिटिश एक्टर थे। हितेन भाया जिनका देहांत हो गया, ये कौन थे? ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे IIMC में, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, जो RRBs है, रीजनल रूरल बैंक्स, इनका अभी मर्जिंग हो रहा है, तो पंजाब में भी 3 बैंकों का एक सिंगल बैंक के रूप में मर्ज हुआ है, और उसके बाद ही तमिलनाडु में उसका जो 2 बैंक से उनका मर्ज हुआ है, तो तमिलनाडु ग्रामा बैंक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशन के अनुसार कौन सी 2 RRBs है वो मर्ज होने वाली है, तो इसका आंसर है पलावन ग्रामा बैंक और पंडायन ग्रामा बैंक। जो पलावन ग्रामा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है सलेम में, और इसका जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो है इंडियन बैंक, और इसका ये जो इन इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है 31 अगस्त 2006, ओके। और RBI एक्ट जो होता है 1976, उसके अनुसार ये इस्टेब्लिश हुई है। और ये जो पंडायन ग्रामा बैंक है, इसको स्पॉन्सर किसने किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने, और इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट है 9 मार्च 77, ये इस्टेब्लिश हुआ था 70 में, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो विरुधुनगर में परमानेंटली रख दिया गया था। और RRBs जो होती है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो 15% कंट्रीब्यूशन करती है, जो स्पॉन्सर बैंक होती है वो 35% कंट्रीब्यूशन करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो 50% कंट्रीब्यूट करती है। और RBI एक्ट कौन सा है? तो RBI का एक्ट है 1976, ओके। और पहली RRB कौन सी थी? तो प्रथमा बैंक, जो कि यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में थी, ओके। ये सब भी आप याद रखिए, मैं इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। नेक्स्ट, ADB ने 14% स्टेक किस ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया है? तो इसका आंसर है अन्नपूर्णा फिनांस, और 137 करोड़ में ये स्टेक ले लिया है ADB ने। ADB का जो हेडक्वार्टर है वो है मंडलू योंग, जो कि मनीला में है, मनीला का अपर है, तो ये फिलीपींस की कैपिटल है। और ADB के जो प्रेसिडेंट है वो है तकेहिको नकाओ, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, कौन सी बैंक है जिसने कि अनाउंस किया है कि वो स्वीप अकाउंट फैसिलिटी लॉन्च करेगी सूर्योदय स्मॉल फिनांस बैंक के साथ? इसका आंसर है फिनो पेमेंट बैंक, और फिनो और सूर्योदय स्मॉल फिनांस बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है न्यू मुंबई में, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन
2017-18 as per National Sample Survey Office periodic level post survey. तो इसका आंसर है 6.1। और पिछले जो चार डिकेड है मतलब 40 साल उसमें यह सबसे हाई है। नेक्स्ट, स्मृति मंथना ने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये भारत की ओपनिंग बैट्समैन है वुमेन्स क्रिकेट में। इन्होंने वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में सबसे फास्टेस्ट 50 लगाई है। ये कितने बॉल्स में लगाई? तो इसका आंसर है 24 बॉल्स। कौन सी पहली इंडियन बनी है जिन्होंने कार्ड अर्न किया है ऑस्ट्रेलियन लेडीज पीजीए टूर के लिए? तो ये जो होता है ऑस्ट्रेलियन लेडीज पीजीए टूर, ये गोल्फ का टूर्नामेंट होता है और इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए वानी कपूर को कार्ड मिल गया है। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि वानी कपूर कौन से खेल से रिलेटेड है तो गोल्फ, याद रखिए। मीराबाई चानू जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है EG80 कप जो कि थाईलैंड में हुआ था उसमें, ये कौन सी कैटेगरी में जीता है? तो मीराबाई चानू जो है वो 48 केजी की कैटेगरी में खेलती है और उसमें ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो EG80 कप है वो जो थाईलैंड में हुआ था और थाईलैंड में ही होता है, ये वेट लिफ्टिंग का टूर्नामेंट होता है, ये भी आप याद रखिए। EG80 कप वेट लिफ्टिंग, और मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है। नेक्स्ट, कतार ने जो AFC एशिया कप है, बात की जा रही है यहाँ पर फुटबॉल की, मतलब जो एशियन फुटबॉल कप होता है उसका ये 17th एडिशन था, ये कतार ने जीता और कतार ने ये सबसे पहला टाइटल जीता है, मतलब पहली बार एशिया कप जीता है फुटबॉल का। उसमें इन्होंने हराया जापान को और जापान चार बार का चैम्पियन है और जापान को फाइनल में हराया। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात्स में और ये 5 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में हुआ था ये। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश ने MOU साइन किया है, कितने जो बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स है उन्हें ट्रेन करने का अगले 6 सालों में? तो इसका आंसर है 1800, मतलब भारत बांग्लादेश के जो सिविल सर्वेंट होते होंगे नए IAS IPS वगैरह वहाँ के, उनको अगले 6 सालों में 1800 सर्वेंट्स को भारत ट्रेन करेगा। और बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट है वो है शेख हसीना और ये चौथी बार चुनी गई है और कॉन्जिक्यूटिव 3री बार, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI इसने किसके साथ MOU साइन किया है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए भारत में और भारत के इन्वेस्टमेंट बाहर करने के लिए? तो इसका आंसर है इन्वेस्ट इंडिया। तो अब जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आने चाहिए और भारत के इन्वेस्टमेंट बाहर जाने चाहिए, इसके लिए MOU साइन किया गया है ICAI और इन्वेस्ट इंडिया के बीच में। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो 2019 में पेश की गई, इसमें भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 36 और 2018 में भारत की रैंक थी 44। तो 8% 8 कदम भारत आगे बढ़ा है इस रैंक में। तो भारत की रैंक में अभी 36 है इस इंडेक्स में और इसको टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। और जो वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वीपो, उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ये भी आप याद रखिए। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि फेब्रुअरी 2019 के करंट अफेयर्स से थे। ये पार्ट टू था, मैं अभी पार्ट थ्री भी लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी शार्प 360 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगले वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।